हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने प्रीवियस क्लास में बात की थी बच्चों रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट, विलायक के वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन। और हम लोग डिस्कस कर चुके थे वहाँ पर कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वाष्प पदार्थ क्या होता है। मैं बता चुका था आपको कि जब किसी भी बंद पात्र के अंदर कोई द्रव और उसकी वाष्प किसी निश्चित ताप पर सामने में होते हैं तो द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब भी क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ एनी लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ वेपर इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, एट फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। नाउ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या है? द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एन लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वह ताप जिस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका वाष्प दाब हो जाए किसी भी द्रव का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे, ठीक है। यानी कोई भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो गया तो उसे अपन क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ये अपन डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने ये भी देखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है, कब? जब नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील विलेय आपको दिया गया हो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिला हुआ है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा और सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये जो कमी होती है इसे अपन कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। अब अपन आगे एक चीज़ लिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, जो वेपर प्रेशर में जो कमी होती है, वाष्प दाब में जो कमी होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखे, वाष्प दाब में कमी नॉट डिक्रीमेंटिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर, ठीक है। वाष्प दाब में जो कमी होती है वो विलेय के मात्रा पर निर्भर करती है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो वाष्प दाब में कमी विलायक के वाष्प दाब में कमी विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं, ये आप नोट करके लिख दीजिए। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमने दो पात्र लिए, इसके अंदर एक लीटर जल है यानी वाटर है, दूसरा पात्र लिया इसके अंदर भी क्या है? एक लीटर जल है, ठीक है। एक मोल यहाँ पर आपने सुक्रोज ले लिया और यहाँ पर आपने ले लिया एक मोल यूरिया, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा अभी कि वाष्प दाब में जो कमी होगी, वैसे तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल सॉलिड पार्टिकल से मतलब है, इनको मात्रा से मतलब है, नेचर से मतलब नहीं, फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा अभी कि वाष्प दाब में जो कमी होगी, ठीक है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि विलेय की मात्रा कितनी है। और विलेय की मात्रा यहाँ भी एक मोल है, यहाँ भी एक मोल है, भले ये सुक्रोज है और ये यूरिया है, दोनों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, दोनों की वाष्प नहीं बनती है, और यहाँ पर एक मोल ये लिया एक मोल ये, यानी विलेय की मात्रा बराबर है। तो इस विलयन में और इस विलयन दोनों में क्या होगा? वाष्प दाब में जो कमी है वो समान होगी, ठीक है। तो डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट Not depend on the nature of solute. अगर nature पे depend करता तो sucrose और urea का nature अलग अलग होता है, ठीक है ना, दोनों में अलग अलग vapor pressure में कमी होनी चाहिए थी, but ये केवल मात्रा पे depend करता, तो एक mole sucrose मिलाया एक mole आपने urea मिला दिया, दोनों की vapor नहीं बनती, तो जाहिर सी बात है non volatile है ही,
और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर बराबर मात्रा में मिलाए गए हो, अलग अलग हो बोले हो, तो भी वहां पर वेपर प्रेशर में कमी एक जैसी होगी। ठीक है, ये मतलब था स्लाइम का। आज अपन बात करते हैं राउट्स लॉ की। ठीक है, जो कि इसी टॉपिक के अंदर है। देखो राउट्स लॉ जो है बेसिकली दो तरीके से अपन पढ़ेंगे। कैसे? एक तो पढ़ेंगे राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल, फिर आगे अपन पढ़ेंगे राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल। यानी राउल्ट ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दो नियम दिए, एक वाष्पशील के लिए एक अवाष्पशील विलेय के लिए। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमारा सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल मतलब अवाष्पशील है। तो राउल्ट लॉ अपन हेडिंग लगाएंगे अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, यहां पे इंग्लिश में लिखेंगे अपन राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है? देखो यहां लिख देता हूं मैं पहले इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये अपन बहुत पहले सीख चुके हैं। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये अपन कल सीख चुके हैं कि किसी में कंपैरिजन वाइज अगर तुलनात्मक रूप से कोई कमी होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग कहते हैं। जैसे सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया। इसका मतलब शॉर्ट में आप फॉर्मूला बना सकते हो, आर एल वी पी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये राउल्ट का नियम है नॉन वॉलेटाइल के लिए अवाष्पशील के लिए। अब हिंदी में इसको क्या लिखेंगे अपन, हिंदी में लिखेंगे राउल्ट के अनुसार के अनुसार किसी राउट के अनुसार किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की
मॉल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, ये राउल्ट का नियम है। अब आप इंडिपेंडेंट वाले भी यहां पे एक फॉर्मूला बना लो कि विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर विलय की मोल भिन्न, और इस तरीके से आप बना करके डिब्बे में बंद कर लो। यानी कि राउल्ट ने क्या कहा कि विलायक के वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, विलय की मोल भिन्न के बराबर होगा। कई बार एक नंबर में सीधा पूछ लिया जाता है राउल्ट का नियम लिखिए अवाष्पशील विलय के लिए, तो वहां पर आप लिखोगे राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी को अपन मैथमेटिकली आगे लिखेंगे। ये हमने स्टेटमेंट इसका लिखा अभी तक। अब देखो आगे क्या होता है, राउल्ट के नियम का डेरिवेशन अपन कर रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, और ये राउल्ट का नियम जब एक नंबर में पूछा जाता है तो आपको मैथमेटिकली आगे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन तो आपको लिखनी होगी, उसके बाद अपन मान लेंगे, माना कि मतलब लेट अस कंसीडर दैट, ये हमने मान लिया कंसीडर दैट, माना कि पी वन नॉट ये शुद्ध विलायक विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंग्लिश में आप बोलेंगे। ठीक है, जब जब वन आएगा ये सॉल्वेंट के लिए आएगा, अपन फिक्स कर लेते हैं। जब जब टू आएगा, एक दिन पहले बताया था मैंने, ये सॉल्यूट के लिए आएगा। जैसे P2 सॉल्यूट की बात करेगा, W2 सॉल्यूट की बात करेगा, M2 सॉल्यूट की बात करेगा, और नॉट जहां पे अपन ने लगा दिया ये P1 नॉट, नॉट का मतलब ये शुद्ध की बात कर रहा है, 1 का मतलब विलायक की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर आगे दूसरा P1 नॉट अपन ने मान लिया। ठीक, P1 नॉट और अपन मान लें P1। ठीक है, P1 जो है हमारे पास शुद्ध विलायक के लिए नहीं विलयन के लिए हो जाएगा वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे जब नॉड लग गए यहां पर तो नॉड लगने के मतलब है प्योर विलयन की बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, विलयन नहीं सॉरी। ठीक है, और जब नॉड नहीं लगा हुआ है तो आप सिंबल अपन एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि P1 क्या है, कोई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब आपने पढ़ा अभी तक कि विलयन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली टू विलायक, यानी विलायक का वेपर प्रेशर ज्यादा और अब कमी होगी तो विलयन में होगी, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ये कम कौन है, तो अपन लिखेंगे देन by adding non-volatile solute, lowering in vapor pressure is, कितनी होगी हिंदी में लिखेंगे, माना कि P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P1 विलयन का वाष्प दाब है, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी होगी बराबर, कितनी कमी होगी, ज्यादा में से कम को घटा दो तो ये P1 नॉट ज्यादा है माइनस P1, ये चीज होगी। अभी साधारण कमी की बात कर रहे हैं अपन, अब आगे लिखेंगे अपन इसी को रिलेटिव लॉवरिंग की तुलना में। नाउ अब देखो जब भी इसको ऐसे लिखा जाए कि कमी कितनी हुई, इतनी कम हुई, अब किसके रेस्पेक्ट में ऐसा हुआ, अपेक्षिक
अवनमन अपन बात करें। नाउ रिलेटिव लोअरिंग, ध्यान रहे मैंने केवल लोअरिंग की बात की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसके आगे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर हिंदी वाले बच्चे, अब विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो जिससे आपने तुलना करी थी उसका डिवाइड कर दो, वो कितनी हो जाएगी, कमी कितनी हुई, P1 नोड माइनस P1 अपॉन P1 नोड। P1 नोड अपॉन में क्यों आया, शुरुआत में कितना था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P1 नोड। ठीक है, जैसे आपके 5 नंबर कम आए, ठीक है, तो 5 नंबर कम आए मतलब पहले 10 नंबर आए, मान लो 10 में से 5 नंबर आए तो 10 माइनस 5 ज्यादा में से कम, कितने की कमी हुई, 5 की कमी हो गई आपकी। ठीक है, जब भी कोई कमी होती है तो अपन कैसे निकालते हैं, डिक्रीमेंट को ज्यादा में से कम को घटा देते, पता चल जाता इतना अंतर है। अब अपन बात करें कि कितने में से आए, ठीक है, तो अपॉन में आप क्या करोगे 10, तो वैसे कितने में से कमी हुई है, तो ये रिलेटिव लोअरिंग। यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग में डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो, सिंपल लोअरिंग तो आपको पता है P1 नोड माइनस P1, तो ये आपके पास हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरी चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा भाई, सेल्फ फॉर्मूला बताया था, मोल्स अपॉन टोटल मोल, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस रिकॉल करवाया है। तो सॉल्यूट के मोल कितने मान के चलते हैं अपन, आप सभी को पता है, मैंने आपको बता रखा है कि 1 किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और 2 किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो सॉल्यूट का मोल कितना होगा, N2, ये तो खुद का मोल भाई, हमारे पास सॉल्यूशन है विलयन, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए मैंने लिख रखा 1, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, N2 plus N1 किसका है, विलायक का, ये विलेय का, दोनों के मोल टोटल मोल हो गए, और हमारे पास N2 क्या है, सॉल्यूट का मोल, तो खुद का मोल अपॉन टोटल मोल, यानी सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब अपन इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि सॉल्यूट के जो मोल है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्वेंट के मोल बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट के मोल कम है, तो N2 इज वेरी 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 लेस देन N1, मतलब सॉल्यूट जो है आपका वो बहुत बहुत कम है और N1 के जो मोल है वो बहुत ज्यादा है, हमने 1 लीटर जल में थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाया तो वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपन, जब एडिशन की टर्म हो, जोड़ने की टर्म उसमें, तो इसको अपन लगभग बराबर लिख सकते हैं N1 के, तो ये आपके जो इक्वेशन है ये हो जाएगी N2 अपॉन N1। ठीक है, फाइनली आपका मोल फ्रैक्शन को आप किससे लिखते हो, एक्स से, और किसका है, सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट लिख दिया आपने। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 3। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अब ये चीज आज अपने पास पता है, कितने कैसे लिखेंगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, ये भी अपन को पता है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्वेंट कितनी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आया फाइनल इक्वेशन तीन से देखो, N2 अपॉन N1। अब आगे इसको अपन हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो N2 मोल बराबर क्या होगा, W2 अपॉन M1। यहां पर W2 क्या है, 2 क्यों लगा, क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। ऐसे विलायक N1 के लिए क्या लिखोगे, M2। यहां पर M1 विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अणुभार, ये दोनों वैल्यू यहां पर रख देते हैं, P1 naught माइनस P1 अपॉन P1 naught बराबर W2 M2, ठीक है। देखो इसको पहले अपन ऐसे लिखेंगे, N2 के ऊपर वैल्यू है, तो ये W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। अगले स्टेप में सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, P1 naught माइनस P1 अपॉन P1 naught बराबर ऊपर जो है W2 M2 ऐसे रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, M1 ऊपर चल जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर इस फॉर्मूले को मैं M2 बराबर शिफ्ट करता हूं तो M2 इधर जाएगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो ये P1 naught इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M2, ठीक है, W1 P1 naught माइनस P1 बराबर P1 naught W2 इंटू M1। समझ में आ गई बात। अब M2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, M2 बराबर केवल M2 बराबर P1 naught W2 इंटू M1 अपॉन P1 naught माइनस P1 और W1। अब ये P1 naught P1 वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं अपन, M2 बराबर P1 naught ऊपर अपॉन P1 naught माइनस P1 इंटू ये वाली टर्म W2, सिमिलर को एक साथ लिख लेते हैं, M1 अपॉन ये W1 है सर, W1 तो ये W2 M1 और W1, ये आपके पास फाइनली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको राउल्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तब। इस फॉर्मूले में कौन सी क्या चीज है एक बार आप और देख लो, P1 naught क्या होता है आपने मान लिया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, P1 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, W2 क्या है, 2 का मतलब सॉल्यूट, विलेय की ग्राम में मात्रा, W1 क्या है मास ऑफ वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, M1 क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी होगी, M2 पूछ लिया जाएगा आपसे। इस तरह का न्यूमेरिकल अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे, यहां तक अपने रॉबर्ट्स लॉ समझा था। रॉबर्ट्स लॉ को एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले आपको रॉबर्ट्स लॉ ने क्या कहा स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग होगी वो किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगी, वेपर प्रेशर में कितनी कमी होगी इसको मैथमेटिकल निकालो, पहले कितनी कमी हुई कितने में से हुई वो निकाल ली, फिर मोल फ्रैक्शन को निकाल लिया, दोनों को बराबर रख दो और ट्रांसफर कर दो, फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर आगे न्यूमेरिकल करते हैं।